हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना जो 10 नंबर चैप्टर चल रहा था फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब पौधे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक का उपयोग करके भोजन बनाते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार के प्रक्रम होते हैं, एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसमें से प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि क्या होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, और वो दो चरणों में पूर्ण होती है। एक होती है चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। यानी जब इलेक्ट्रॉन जिस समूह से निकलता है घूमकर अगर उसी के पास आ जाता है, चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन, तो उसे चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया बोला जाता है। और यदि इलेक्ट्रॉन जिससे निकलता है उसके पास वापस नहीं आता है, दूसरी जगह चला जाता है, दूसरे ग्राही के पास चला जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में हमने दोनों पॉइंट पढ़ लिए, आज हम पढ़ेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो क्या होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया? तो देखिए, अप्रकाशिक अभिक्रिया, देखिए इसे डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, अंधेरी अभिक्रिया, इसे डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। देखिए, डार्क रिएक्शन कहने का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में संपन्न होती है, इसके कहने का मतलब है कि ये जो अभिक्रिया होती है वो डायरेक्ट प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद है उन पर निर्भर रहती है। तो डायरेक्ट प्रकाश पर निर्भर नहीं होने के कारण इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया या डायरेक्ट रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए, यह अभिक्रिया सीधे प्रकाश पर निर्भर नहीं होती, बल्कि प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों जैसे एटीपी और एनएडीपीएस2, बल्कि प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर रहती है, इसलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया या डायरेक्ट रिएक्शन कहते हैं। यानी डायरेक्ट प्रकाश पर निर्भर नहीं है, इसलिए हमने इसको अंधेरी अभिक्रिया या अप्रकाशिक अभिक्रिया बोल दिया है। जो पहले प्रकाशिक अभिक्रिया होगी उसके उत्पाद बनेंगे एटीपी और एनएडीपीएस2, तो उनका उपयोग करके अप्रकाशिक अभिक्रिया में शर्करा का निर्माण किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण करके। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके प्रोसेस और कुछ और पॉइंट नोट करते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इसकी खोज तो सबसे पहले इसकी खोज तो की गई थी ब्लेकमैन नाम के वैज्ञानिक द्वारा, लेकिन इस प्रक्रिया को चक्रीय प्रक्रम में किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया? केल्विन अबेंसन नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, इसलिए उसी का नाम ज्यादा आता है, केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज, अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज तो ब्लेकमैन द्वारा की गई, परंतु अप्रकाशिक अभिक्रिया को चक्रीय प्रक्रम के रूप में केल्विन बेंसन द्वारा बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट, केल्विन ने रेडियो सक्रिय कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके यह सिद्ध किया कि CO2 के यौगिकीकरण से प्राप्त प्रथम उत्पाद तीन कार्बन युक्त था, जिसे थ्री फॉस्फोग्लिसरिलिक अम्ल, या थ्री पीजीए कहा गया। यानी जो आपके ये अप्रकाशिक अभिक्रिया थी, इसकी खोज तो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज तो सबसे पहले की गई थी ब्लेकमैन के द्वारा, लेकिन इस अभिक्रिया को चक्रीय प्रक्रम में जो पूरा प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? केल्विन बेंसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, और इसलिए इनके द्वारा बताए गए चक्र को केल्विन चक्र बोला जाता है, या C3 चक्र या C3 साइकिल कहा जाता है। अब C3 साइकिल क्यों कहा जाता है? इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया कि जब अप्रकाशिक अभिक्रिया की शुरुआत होती है, यानी ATP और NADPH2 का उपयोग करके पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर जो शर्करा बनाता है, उसमें जो पहला उत्पाद बनता है वो तीन कार्बन युक्त बनता है, और उसको क्या बोला गया? थ्री फॉस्फोग्लिसरैलिक अम्ल कहा गया, और इसे शॉर्ट में थ्री पीजीए कहा जाता है, और इसी आधार पर इस चक्र का नाम C3 साइकिल बोल दिया गया। तो केल्विन ने खोज करने के लिए जो प्रयोग में लिया था वो कार्बन 14 समस्थानिक लिया था, जो एक प्रकार का रेडियो सक्रिय होता है, और उन्होंने सिद्ध क्या कर दिया कि CO2 के यौगिकीकरण से प्राप्त प्रथम उत्पाद कितने कार्बन का था? तीन कार्बन था, इसलिए पहली जो चक्र चलेगा सबसे पहले उसको क्या बोल दिया गया? C3 साइकिल। यानी हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रिया होती है, एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होगी वो क्या करेगी? प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लिया जाएगा, जबकि जड़ों से जल को लिया जाएगा, हरित लवक लिया जाएगा, और प्रकाश की उपस्थिति में उससे ATP और NADPH2 बनेंगे। ये हो गई प्रकाशिक अभिक्रिया। फिर अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होगा
कि एटीपी एनएडीपीएच2 का उपयोग किया जाएगा, वातावरण से अब कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाएगा और उनको मिलाकर शर्करा बनाई जाएगी। तो जो पहला सबसे पहली शर्करा बनेगी वो 3 कार्बन अणु युक्त बनेगी और इसी के आधार पर इस चक्र को नाम क्या दे दिया जाता है, C3 साइकिल, या इस उत्पाद के नाम पर 3PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरैलिक अम्ल है वो पहला उत्पाद बनता है। तो आपको पूछा जा सकता है C3 पादपों के अंदर CO2 के यौगिकीकरण से बना पहला उत्पाद कितने कार्बन युक्त होता है, 3 कार्बन युक्त होता है, उसका नाम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरैलिक अम्ल, या इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, 3PGA कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो चक्र दिया गया इस आधार पर क्या परिभाषाएं निकाली गई कि जिन पौधों के अंदर CO2 के यौगिकीकरण का पहला उत्पाद 3 कार्बन युक्त बनता है उन्हें C3 पौधे कहते हैं और उनके अंदर चलने वाले चक्र को C3 चक्र या C3 साइकिल कहते हैं, तथा जिन पौधों के अंदर कार्बन के यौगिकीकरण से पहला उत्पाद 4 कार्बन युक्त बनता है उन्हें C4 पौधे या C4 चक्र बोला जाता है, और उन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला जो पहला यौगिक होता है वो 5 कार्बन युक्त था जिसे RUBP बोला गया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट परिभाषाएं। जिन पौधों में CO2 के यौगिकीकरण का पहला उत्पाद 3 कार्बन युक्त था उन्हें C3 पौधे कहा जाता है, तथा जिन पौधों में उन्हें C3 पौधे कहा जाता है तथा इस चक्र को C3 चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिन पौधों में CO2 के यौगिकीकरण का पहला उत्पाद 4 कार्बन युक्त होता है चार कार्बन युक्त था उन्हें जिन पौधों में CO2 के यौगिकीकरण का पहला उत्पाद 4 कार्बन युक्त था उन्हें C4 पौधे कहा जाता है, तथा इस चक्र को C4 चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रकाशिक अभिक्रिया में
कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही यानी इसको ग्रहण करने वाला जो यौगिक था ना, वो पांच कार्बन युक्त था। अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का प्रथम ग्राही यौगिक पांच कार्बन युक्त था जिसे RuBP कहा गया। जिसे RuBP यानी रूबिस्को बिस फॉस्फेट जिसे RuBP कहा गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि केल्विन साइकिल है वो किस प्रकार चलती है। देखिए केल्विन चक्र उन सभी पौधों में चलता है जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो पहला पॉइंट, केल्विन चक्र उन सभी पौधों में चलता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये जो केल्विन चक्र है वो तीन चरणों में पूर्ण होता है। केल्विन चक्र तीन चरणों में पूर्ण होता है। कौन कौन से देखिए, पहला है कार्बोक्सिलीकरण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही अणु के साथ जुड़ना, CO2+RuBP। यानी इसमें क्या होगा, पहले चरण में कार्बोक्सिलीकरण,
इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ेगी, पांच कार्बन युक्त ग्राही के साथ, RUBP के साथ जुड़ेगी। फिर दूसरे चक्र में क्या किया जाएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाएगा, अपचयन, यानी CO2 का अपचयन करके PgAl के 12 अणु बनाए जाएंगे, CO2 का अपचयन करके 12 के अणु। हम पहले इन चक्रों को साथ में देखते हैं। तो पहला चक्र होगा कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा चक्र होगा अपचयन और तीसरा होगा पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन किसका पुनरुद्भवन किया जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला पांच कार्बन युक्त यौगिक है उसका वापस क्या किया जाएगा, पुनरुद्भवन किया जाएगा। तो एक केल्विन चक्र है या C3 चक्र है वो तीन चरणों के अंदर पूर्ण होती है, कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और पुनरुद्भवन। इन चक्रों में क्या क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं, पहले यहां तक नोट कीजिए। तो देखिए इस चक्र को हम देखते हैं कि किस प्रकार होता है, ये केल्विन चक्र, यानी सबसे पहले क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी और इसको ग्रहण किया जाएगा किसके द्वारा, RUBP के द्वारा, पांच कार्बन युक्त अणु है इसलिए इसको हम लिखते हैं 5C। ठीक है, इस पांच कार्बन युक्त गणु ने इसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके ये किस में बदलता है, इसको तीन कार्बन युक्त यौगिकों में बदलता है जिसे क्या बोला जाता है, PgA, 3 PgA, यानी तीन कार्बन युक्त अणु है। और यहां तक की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यहां तक की प्रक्रिया कहलाएगी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, फिर इस 3 PgA से बनाया जाएगा PgAl, इससे बना जाएगा 12 PgAl अणु बनाए जाएंगे। और यहां तक की अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। ये यहां तक की अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन। अब इस अपचयन के बाद जो तीन इसमें से 10 PgAl है वो तो वापस रीजनरेट करके क्या बनाएंगे, RUBP बनाएंगे। और 10 PgAl क्या करेंगे, RUBP बनाएंगे। इसके अंदर क्या होगा, 12 PgAl में से 10 PgAl क्या करेंगे, RUMP बनाएंगे। और RUMP से क्या बनेगा, RUBP।
और बाकी दो पीजीएल क्या करेंगे, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इधर से यह चक्र क्या कहलाएगा, पुनरुद्भवन। अब एटीपी का एनएडीपीएच2 का उपयोग कहां लिया जाएगा, जब देखिए जैसे ही ये कार्बन युक्त अणु का अपचयन होगा तो एनएडीपीएच2 किस में बदल जाएगा, एनएडीपी+ में बदल जाएगा, और एटीपी किस में बदल जाएगी, एटीपी बदल जाएगी एडीपी के अंदर। यानी एटीपी और एनएडीपीएच2 का उपयोग हो गया है, और जब वापस अपचयन हो रहा होगा तो कुछ एडीपी वापस किसका निर्माण कर लेगी, एटीपी का निर्माण कर लेगी, एडीपी से वापस क्या बन जाएगी, एटीपी। तो इस प्रकार ये केल्विन साइकिल चलती है। तीन चरण कौन कौन से थे, तीन चरणों में मैंने आपको बताया था, पहला चरण है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा चरण है अपचयन और तीसरा चरण है पुनरुद्भवन। कार्बोक्सिलीकरण के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रथम इसका ग्राही कौन है, RuBP, जो 5 कार्बन युक्त है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलीकरण करके पहला जो उत्पाद बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन युक्त बनेगा, इसलिए इसको C3 चक्र कहते हैं, केल्विन चक्र, या इसको हम बोलते हैं C3 चक्र। C3 नाम किस आधार पर दिया गया, कि जो पहला उत्पाद बनता है वो कितने कार्बन युक्त बनता है, 3 कार्बन युक्त बनता है, इसलिए इसको C3 चक्र का या C3 साइकिल या केल्विन साइकिल कहते हैं। तो 3 कार्बन युक्त पहला उत्पाद बन गया, इस यहां तक की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलीकरण। फिर इस प्रथम उत्पाद का क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है, और उससे दूसरा यौगिक बनाया जाता है जिसे पीजीएल बोलते हैं। ये पीजीएल बना तब किसका उपयोग किया गया, एनएडीपीएच2 और एटीपी का, मैंने बताया था ना, अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको कहीं प्रकाश दिखाई दे रहा है क्या, प्रकाश ना काम में ही नहीं लिया है हमने, अपचयन करने के लिए किसका उपयोग किया, प्रकाशिक अभिक्रियाओं के उत्पाद क्या थे, एटीपी और एनएडीपीएच2 उत्पाद थे, तो इनका उपयोग करके हमने क्या कर लिया, इनका आगे अपचयन कर लिया, तो 12 पीजीएल के जो अणु बने उनमें से 2 पीजीएल के अणु तो आगे ग्लूकोज बना लेंगे, तो ये हमारी इधर अप्रकाशिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। लेकिन 10 पीजीएल का हम वापस RuBP के निर्माण में उपयोग करेंगे, क्योंकि यदि हमने RuBP नहीं बनाया तो फिर आगे और प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी तो उसको ग्रहण कौन करेगा यदि RuBP नहीं बनाया तो, इसलिए हमें वापस 10 पीजीएल के अणु से RuBP अणु का रीजनरेशन करना पड़ता है, और ये चक्र क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन। वैसे नॉर्मली अगर सिर्फ शर्करा का निर्माण करना हो तो 2 चक्रों में पूर्ण हो जाता है, पहले कार्बोक्सिलीकरण फिर अपचयन के बाद शर्करा ग्लूकोज बन गई, लेकिन पूरा हमें केल्विन चक्र चलाना है, वापस RuBP को भी बनाना है ताकि अभिक्रिया में कंटिन्यूटी रहे, रुके ना अभिक्रिया, किसी चीज की कमी ना हो, तो पुनरुद्भवन वाला चक्र भी हमें चलाया जाता है, और इस प्रकार केल्विन चक्र है वो पूर्ण होता है। नोट कीजिए,
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो केल्विन चक्र चलता है तो एक ग्लूकोज के अणु का भी यहाँ निर्माण नहीं हो रहा है। एक ग्लूकोज के अणु को बनाने के लिए हमें ये केल्विन चक्र है वो 6 बार चलाया जाना पड़ता है। और यहाँ पर कुल मिलाकर इसके अंदर एटीपी कितनी काम में ली जाती है, तो इस एक चक्र के अंदर 3 अणु एटीपी के काम में लिए जाते हैं और 2 अणु एनएडीपीएस2 के काम में लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक चक्र के अंदर कितनी एटीपी काम में आती है? 3 एटीपी प्रयुक्त की जाती है और 2 अणु एनएडीपीएस2 के काम में लिए जाते हैं। आपको पता हो तो मैंने प्रकाशिक अभिक्रिया कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एक होती है चक्रीय और एक होती है अचक्रीय। चक्रीय हम क्यों करवाते हैं? चक्रीय में केवल एटीपी का निर्माण होता है, एनएडीपीएस2 का निर्माण नहीं होता है। तो यदि हम चक्रीय नहीं करवाते, हमारे पास एक्स्ट्रा एटीपी नहीं बनती एनएडीपीएस2 की, तो यहाँ पर काम नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर अणु एटीपी की आवश्यकता अधिक है जबकि एनएडीपीएस2 की कम है। यदि हम केवल अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया करवाते तो उसमें तो बराबर ही एटीपी और एनएडीपीएस2 बनते, तो यहाँ पर जो ज़्यादा एक एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो हम कहाँ से पूरी करते? इसलिए हमने चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया करवाने का यही मकसद होता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो एक्स्ट्रा एटीपी चाहिए उसकी पूर्ति की जा सके। तो ध्यान रखना, एक केल्विन चक्र के अंदर 3 एटीपी अणु और 2 एनएडीपीएस2 अणु की आवश्यकता होती है। एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए केल्विन चक्र को 6 बार चलाया जाता है। ये तो एक बार चक्र हुआ, इससे एक ग्लूकोज का अणु पूरा नहीं बना है। अगर हमें एक ग्लूकोज का अणु बनाना है तो 6 चक्र चलाने पड़ेंगे केल्विन के, और जब 6 चक्र केल्विन के चलाएंगे तो कुल एटीपी कितनी चाहिएगी? 18, और एनएडीपीएस2 कितने चाहिए? 12। यानी एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए केल्विन चक्र 6 बार चलता है और उस प्रक्रिया में 18 एटीपी का उपयोग होता है और 12 अणु एनएडीपीएस2 की आवश्यकता होती है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए केल्विन चक्र 6 बार चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक केल्विन चक्र में दो अणु NADPS2 के तथा 3 अणु ATP के आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थात एक अणु ग्लूकोज का बनाने के लिए बारह अणु NADPS2 तथा 18 अणु ATP की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एटीपी के अणुओं की यह अतिरिक्त आवश्यकता चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया से पूर्ण होती है।
चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया से पूर्ण होती है। नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्लूकोज के अणु का बनाने के लिए केल्विन चक्र कितनी बार चलता है? 6 बार चलता है, या इसे हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो ये केल्विन चक्र जो 6 बार चलेगा उसके अंदर कुल कितनी एटीपी का उपयोग हो जाएगा? 18 एटीपी का उपयोग हो जाएगा और 12 अणु NADPH2 का उपयोग हो जाता है। तो इसमें जो एटीपी की कमी होती है वो कमी की पूर्ति कौन करता है? चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। यानी यदि चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होती तो शायद ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया में अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो कमी हो रही थी वो पूर्ण नहीं हो पाती। ठीक है, उसके अलावा जो प्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रथम ग्राही होता है वो 5 कार्बन युक्त अणु होता है, जिसे रुबिस्को भी कहा जाता है। तो रुबिस्को एंजाइम है वो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है और ये दिन के समय सक्रिय रहता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बहुत ज़्यादा बंधुता रखता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके ये उसका क्या करता है? कार्बोक्सिलीकरण करता है और अणुओं का उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक केल्विन चक्र के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा पहले रुबिस्को एंजाइम के बारे में पॉइंट नोट करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि जो C4 पौधे हैं या C4 साइकिल है वो किस प्रकार के पौधों में चलती है, उसके लिए क्या अनुकूलतम परिस्थितियाँ होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।